Paul's final point is that love keeps no record of wrongs. और पॉलस का जो आखिरी मुद्दा था वो ये था कि कुकर्म की यादी प्रेम नहीं रखता है. This is actually an accounting term for recording unpaid bills. और ये तो शायद अकाउंट की भाषा का शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, जहां पर खाता वही के अंदर जिन जिन चीजों की भरपाई नहीं की गई है उसकी सूची वहां पर जो बनाते हैं. It refers to someone who remembers all the wrong things and wants revenge. और ये तो शायद ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा गया है जो हर एक गलत बातों को याद करता है और बदले की भावना उसके अंदर हमेशा रहती है. But we go back to the example of Paul. परंतु यहाँ पे फिर से एक बार हम पौलुस के उदाहरण पर जाना चाहते हैं. We just read that in Acts chapter 15, from Acts chapter 15, that Paul was very unhappy about the John Mark incident. और हमने अभी प्रेरितों के काम 15 में देखा कि जो पौलुस है वो योहान मार्कुस के बारे में बहुत खुश नहीं था. But in 2 Timothy chapter 4 verse 11, which is a later letter, we find a very positive remark about Mark. परंतु दूसरा तिमोथियस 4 और 11 में हम ये पढ़ते हैं जो पौलुस ने ये प्रेरितों के काम की घटना के बाद लिखा था, वहां पर हम देखते हैं कि वो मार्कुस योहान मार्कुस के लिए अच्छी बात लिखता है. Paul did not keep resentments. He did not keep a record of wrongs. और हम देखते हैं कि पौलुस ने खुद जो भी कुकर्म थे उसकी यादी बनाकर उसे अपने मन में नहीं बिठाए रखा. There's an interesting reference in Zechariah chapter 8 verse 17. और एक बहुत ही रसप्रद बात जकरिया का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 17वें पद में लिखी गई है. It says, let none of you devise evil in his heart against your neighbor. और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना. Paul's point is that love does not keep an account of wrongdoing. पौलुस यहाँ पे जो बताना चाह रहा है वो ये है कि प्रेम जो है वो किसी के तुम्हारे विरुद्ध के बुरे काम की सूची नहीं रखता है. This is a very important aspect of true love. और ये सच्चे प्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है. It's not easy to forget wrongs. ये आसान बात नहीं है कि किसी के हमारे विरुद्ध के किए गए बुरी बातों को हम भूल जाएं. But that is what love requires. परंतु प्रेम करने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम भूल जाएं.